टू हेमंत की रसोई। हेमंत की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हेमंत। दोस्तों आज हम बनाएंगे मुंबई का स्टाइल मसालेदार एग भुर्जी, जिसे आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या पाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज इसमें हम एक सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे इसका स्वाद दो गुना हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अंडा भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो साथ में बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टेस्ट और अच्छा आएगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर डाल देंगे। अब 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर डालेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए अदरक लहसुन को हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल निकल जाए। कुछ सेकेंड्स अदरक लहसुन को पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करके प्याज में से थोड़ा सा पसीना निकालेंगे, मतलब इसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्की गुलाबी हो जाएगी, इसमें हम 2 हरी मिर्च, जिन्हें हमने बारीक काटा है, वो डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिला दीजिए। अभी प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को जल्दी पकाने के लिए इसमें हम डाल देंगे साथ में नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। यहाँ पर अभी टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ पिसे मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो जितना तीखा आपको खाना पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। 2 टेबल स्पून हरी धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, लास्ट में जाएगा वो सीक्रेट मसाला जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा, 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। आप एक बार पाव भाजी मसाला एग भुर्जी में ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अभी हम मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। जब तक मसाला अच्छे से भुन रहा है, हम यहाँ पर अंडे ले लेंगे। यहाँ मैंने 4 कच्चे अंडे लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये जितने अच्छे से विस्क होगा, एग भुर्जी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। इस जंग से हमें अंडे अच्छे से फेंट लेने हैं। यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और इसे लगातार चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई का स्टाइल मसालेदार एग भुर्जी बनकर रेडी होती है। ये अंडा भुर्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे एक बार आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।